चाशाल निशिमी एको इंडिया इमर्शन ने साक्षात मुंबई राजकोरा कोली ने कैसा होटल और चेंसावे रजा का साल ने निभागे कैसा वर्कशॉप पांडा पांडाओ मांझा का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी देवाशीष बोस नेशनल हेल्थ मिशन ने डायरेक्टर शुभाशीष दास आकोषण लाइथांगनाय बिसिबा रमै त्रिपुरा हास्टेनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि कायसा बेदेक ओंगै सामुं खालायै फायमानि एक' इन्डिया इमार्सन मथा आबो हायखेन' चा सालनि सिमे एक' इन्डिया इमार्सननि साखथार मुंबाय राजाखराखलिनि कायसा हटेलाव चेंसावै रजाखा सालनैनि बागै कायसा वर्कशप पान्दा पान्दाव मान्जाखा हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि देवाशीष बस नेशनल हेल्थ मिशननि डायरेक्टर शुभाशीष दासन' खबै एक' इन्डिया इमार्सन मथानि कुबु नजमा रक इक' इन्डिया आमादेर डेभेलपमेन्ट पार्टनार এরা নন প্রফিট বেসড একটা সংস্থা যারা হেলথ সিস্টেমটাকে সাপোর্ট করছে তাদের যে প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাদের হেলথ সিস্টেমটাকে স্ট্রেংথেন করছে যার মধ্যে আমরাও আছি আজকের এই যে প্রোগ্রাম হচ্ছে এটার মধ্যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইকো ইন্ডিয়া আরও কীভাবে আমাদের এনএইচএম এর প্ল্যাটফর্মে বা আমাদের অন্যান্য যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে যেমন আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন টেলিমেডিসিন আমাদের এবিপিএমজিওয়াই আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলি এবং খুব সিগনিফিক্যান্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাবলিক হেলথ কর্মসূচি রয়েছে যেমন টিবি এলিমিনেশন ম্যালেরিয়া কন্টেইনমেন্ট এই ধরনের যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিভাবে তাদের সহযোগিতা আরও বাড়ানো যায় প্রসারিত করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা আছেন তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করা এবং আগামী দিনে কিছু নতুন ক্ষেত্রে ইকো ইন্ডিয়ার ফুটপ্রিন্টকে প্রসারিত করা এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আজকের সভা হচ্ছে আমি আশা করছি আজকের ওয়ার্কশপ तो आज का जो मकसद है जो उद्देश्य है जो एको इंडिया और एनएचएम त्रिपुरा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है तो उसके एनएचएम ऑफिशियल्स को एक ट्रेन करने के लिए कि एको मॉडल क्या है कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है तो एको इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जन स्वास्थ्य सेवा को कैसे सुदृढ़ किया जाए वो कैसे करते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो आरोग्य कर्मी हैं उनके कौशल विकास को उनके कैपेसिटी बिल्डिंग को अपस्किलिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से एको इंडिया काम कर रहा है 2008 से एको इंडिया की स्थापना हुई 2008 से और पिछले 15 साल से हम कार्यरत हैं जन स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए तो हमारा हमें स्कोप मॉडल होता है कि जिसके थ्रू एक्सपर्ट्स जो होते हैं जो हब टीम में होते हैं और जो स्पोक्स लर्नर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो वेरियस दूर दराज के इलाके से जुड़ते हैं और हर हफ्ते हर 15 दिन पे सेशन होता है जिसके थ्रू एक्सपर्ट्स अपना उनको नॉलेज शेयर करते हैं उनका केस प्रेजेंटेशन होता है उनके बेसिस पर उनको रिकमेंडेशन मिलता है तो इसकी इसके थ्रू उनका कैपेसिटी बिल्ड होता है कौशल विकास होता है तो हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे इसको एनएचएम त्रिपुरा जो स्टेट है त्रिपुरा स्टेट है उसके स्वास्थ्य सेवा को कैसे सुदृढ़ किया जाए और पूरे देश में हम 28 स्टेट गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं हम कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं महानगर पालिका जो होता है हम ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का काम कर रहे हैं और बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस हैं नर्सिंग प्रोफेशन एसोसिएशन हैं काउंसिल्स हैं इसके साथ हम काम कर रहे हैं तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आरोग्यकर्मी हैं जो ज़मीन से के लोग हैं वहाँ तक हमारी सुविधाएँ पहुँचे उनको हम इतना एम्पावर करें इतना इक्विप करें उनको नॉलेज स्किल और कॉम्पिटेंस के साथ उनको सुधर करें कि जैसे वो लास्ट माइल तक जो दूर दराज के जो पेशेंट्स हैं जो कम्युनिटी है वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाई जाए तो आज हमने जो दो दिन का जो आयोजन किया गया है तो एनएचएम त्रिपुरा और एको इंडिया की साझेदारी में तो आज हमने स्टेट ऑफिशल्स एनएचएम ऑफिशल्स और डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारियों को बुलाया है कि वो दो दिन इसके ऊपर किया जाएगा कि एको क्या है उसके प्रिंसिपल्स क्या है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके सिद्धांत क्या है तो उसके बारे में जो बोलते हैं कि इनडेप्थ उनका डीप डाइव है जो बहुत ही इनडेप्थ उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि एको को कैसे यूज़ किया जाए एको क्या है कि जैसे वो आगे उनका उस पर प्रोग्राम्स रन कर पाए त्रिपुरा स्टेट अपने मल्टीपल जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर पाए और उसके स्वास्थ्य सुविधा को सुधार कर पाए सर आपका शुभ नाम और जनरल मैनेजर एको इंडिया
ब्यूरो रिपोर्ट चीनी खोरांग।